भी खून में लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा और गिर गए होश गवा के। कुछ ऐसे ही हालात थे कारगिल युद्ध के, जब हमारे देश के एक एक जवान सौ सौ दुश्मनों को मारकर अंत में खुद ही शहीद हो गए और बदले में हमें दे गए कारगिल युद्ध की जीत। एक ऐसी जीत जिसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा कभी भारत पर अटैक करने की जुर्रत नहीं की। मेरा नाम सत्य प्रकाश है, आर्मी नंबर मेरा 2677944, रैंक नायक है, आर्मी से रिटायर हुए करीब मुझे 20 साल हो गए। मेरा ये हादसा ऑपरेशन कारगिल तोलोलिंग पर हुआ था, जहां मिलिटेंटों के द्वारा आपस में फायरिंग हुई। उस फायरिंग में दुश्मन पीछे हट गए थे, बैक में चले गए। जब भोर हुआ हमने सोचा हम जीत गए, जीत भी गए थे, हमने मिलिटेंटों को मारे भी और अनजाने में गए थे, हमें पता नहीं था कि हम तो बारामूला पोस्टेड थे बांदीपुरा में। रात को मैसेज मिला कि हथियार अमनेशन ले लो, बाकी सामान बाद में आ जाएगा। वहां से गए तो हम द्रास सेक्टर में, हमें 2 दिन रोका गया। तीसरे दिन हमें हमला ऑपरेशन करने के लिए भेजा गया। ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ और हमने 20-30 मिलिटेंट मारे भी, कुछ जिंदा पकड़ लिए थे, लेकिन कुछ पहाड़ी के पीछे छुप गए। वे जो पीछे छुपे थे उन्होंने हमारे पे काउंटर अटैक किया पहाड़ी से पीछे से ही, एयर सेलिंग के द्वारा, जो गोला हवा में पट जाता है उसके फायरिंग के, उसके सप्लेंटर लगने से हम 17 आदमी घायल हुए। 17 में से 13 की कैजुअल्टी वहीं हो गई थी और 4 आदमी हम जिंदा बचे थे। हमें होश आया था श्रीनगर हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि आपको ठीक ठाक पैर लगा के हम भेज देंगे। तब से मैं आर्टिफिशियल लिम्ब के द्वारा चल रहा हूँ। अभी मुझे बुढ़ाना के नजदीक के गाँव का बंदा मिला, जो जीवन आशा हॉस्पिटल से कृत्रिम अंग लेके गया था, उसके द्वारा पता लगने पे हम यहाँ आए और साथ साथ हमारा नाप ले लिया गया। आज हम कृत्रिम अंग जो है वो लेने के लिए आए थे। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ पे डोनेट करते हैं, और उनके सहयोग से ये जो गरीब गुरबा लोग हैं जो यहाँ से कृत्रिम अंग लेके जाते हैं, उनकी दुआओं से मैं भी प्रार्थना करता हूँ। भगवान कहूंगा मैं इन्हें भी, जो सौरभ सागर जी महाराज हैं उनके द्वारा ये संस्था संचालित की गई, उन्हें मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और दानदाताओं को भी प्रणाम करता हूँ। दूसरा, ये जो कृत्रिम अंग पैर जो यहाँ से मिल रहा है, हम तो पूना का पहनते थे, उसमें वेट थोड़ा ज्यादा था, यहाँ का जो है कम्फर्टेबल उससे बढ़िया है और वजन में कम है। तो यहाँ का चाहे हाथ हो या पैर हो, अच्छी क्वालिटी का ये दे रहे हैं। और फिर साथ साथ ये भी कह रहे हैं अगर उसमें कोई डिफिकल्टी या कोई दिक्कत बन जाती है तो आके महीने 2 महीने में जब भी मौका मिले आप यहाँ से उचित इलाज करा सके। ये जो पैर पहना है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, आज के दिन में तो यो बहुत ही बढ़िया लग गया। और मैं आगे भी, पूना दूर पड़ता है, रेल में आने जाने में भी 3 दिन लग जाते हैं, मेरा वो समय बच गया, उसके लिए मैं जीवन आशा हॉस्पिटल का जीवन भर आभारी रहूंगा।